सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है? आप स्नैपचैट यूज करते हैं और आप स्नैपचैट से कोई भी फोटो यहाँ पे समझिए कि आप ले रहे हैं, ठीक है। फोटो लेने के बाद आप उसको सेव कर रहे हैं, सेव करने के बाद आपका वो फोटो यहाँ से सेव हो जा रहा है लेकिन आपके गैलरी में वो नहीं हो जा रहा है, ठीक है। तो आप इस चीज़ से परेशान हो और आप स्नैपचैट से कोई भी फोटो को अपने गैलरी में सेव करना चाहते हो, तो आखिर आप कैसे करोगे? आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग को ये प्रॉब्लम आता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और किस तरह से स्नैपचैट का जो फोटो यहाँ पर लिया जाता है इसको किस तरह से गैलरी में सेव करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं अभी आपके सामने यहाँ पे लाइव रूप यहाँ पे फोटो एक यहाँ पे ले करके आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो कॉमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सेल्फी सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक फोटो यहाँ पे ले लिया हूँ, ठीक है। फोटो यहाँ पे ले लेने के बाद देखिए यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे सेव पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए यहाँ पे सेव हमारा हो चुका है फोटो, ठीक है, सेव हो चुका है। चलिए यहाँ से बैक चलते हैं। बैक आने के बाद चलिए अब गैलरी को ओपन करते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या हमारा फोटो गैलरी में सेव हुआ है या नहीं, ठीक है। ये देखिए मैं गैलरी को खोला, चलिए सबसे पहले यहाँ पर लॉक डाल देता हूँ। लॉक डालने के बाद देखिए यहाँ पे कहीं भी फोटो यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। यहाँ से तो सेव हो गया, यहाँ से सेव हो गया, बट हमारे गैलरी में अभी तक फोटो नहीं आया, ठीक है। तो ये सेम प्रॉब्लम आपके साथ भी आ रहा है, तो आप इस चीज़ से परेशान हो और आप इस चीज़ को सॉल्व करना चाहते हो, तो आखिर कैसे करोगे? चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए बस सिंपल सेटिंग करना है, आपको स्नैपचैट में सेटिंग मिल जाता है, आप इस सेटिंग को ऑन कर लेते हैं तो आपका मतलब कोई भी फोटो सेव हो जाएगा, ठीक है। चलिए वो सबसे पहले सेटिंग को बता देते हैं, यहाँ से बैक चलते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम ऐसे यहाँ पे स्नैपचैट को खोल लेना है, ठीक है। उसके बाद जो मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ, इस सेटिंग को आप सबसे पहले वहाँ पे जा करके चेक कीजिए कि आपका सेटिंग है या नहीं, ठीक है। सो दोस्तों, अब जैसे आप अपने प्रोफाइल पर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अब आपका स्नैपचैट का यहाँ पर पूरा प्रोफाइल खुल करके आ जाएगा, नाम आईडी वगैरह, ठीक है। तो वहीं पे देखिए ऊपर में एक सेटिंग का ऑप्शन आएगा, तो आपको सेटिंग पे चल जाना है। आप जैसे यहाँ पे सेटिंग पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए पूरा स्नैपचैट का यहाँ पे आ चुका है सेटिंग खुल करके, ठीक है। तो यहीं पे आपको एक ऑप्शन को यहाँ पे ढूंढना है मेमोरी का। सो दोस्तों, आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देखिए आपके सामने एक यहाँ पे मेमोरी का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपल तरीका से यहाँ पे मेमोरी पर क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पे मेमोरी पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है सेव बटन का, देखिए यहाँ पे लिखा है सेव बटन। तो सिंपल तरीका से इसके बगल में देखेंगे तो यहाँ पे एक मेमोरी का ऑप्शन आएगा या फिर ऑटो कैमरा रोल कुछ भी का ऑप्शन आ सकता है, तो आपको यहाँ पे सेव बटन पर ऐसे क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सेव बटन का पूरा यहाँ पे सेटिंग खुल करके आ चुका है। आपके सामने तीन ऑप्शन आएगा, देखिए सबसे पहले मेमोरी का और सेकेंड में मेमोरीज एंड कैमरा रोल और यहाँ पर सबसे लास्ट में कैमरा रोल ओनली, ठीक है। तो आप अगर जो आपका मेमोरी में होगा या फिर कैमरा रोल में होगा तो ये दोनों से हटा करके आपको मेमोरी एंड कैमरा रोल पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे भी मेमोरी में हमारा टिक लगा है, तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले सेकेंड में टिक कर देता हूँ। देखिए सेकेंड में हमारा टिक हो चुका है, तो अब आपको यहाँ से बैक चले जाना है। आप यहाँ से बैक आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पे मेमोरी एंड कैमरा रोल हो चुका है, एक बार और चेक कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से चलिए बैक चलते हैं और अब मैं आपको एक यहाँ पे फोटो यहाँ पे लेकर के दिखाने वाला हूँ। देखिए अभी मैं आपके सामने एक यहाँ पे फोटो क्लिक किया, देखिए चलिए अब आपके सामने एक फोटो को मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। देखिए मैं सेव किया, सेव हो चुका है, ठीक है। अब चलिए अब गैलरी में जा करके दिखाता हूँ, अब हमारा फोटो गैलरी में सेव हो गया होगा, ठीक है। वो सेटिंग को किया जाता है उसके बाद हो जाता है। देखिए हमारा गैलरी में देखिए फर्स्ट में ये फोटो आ चुका है, ठीक है। सेम इसी तरह से आप कर लेते हैं सेटिंग तो आपका भी स्नैपचैट से कोई भी फोटो होगा गैलरी में आ जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों, आई होप आप इस वीडियो को मदद से आप भी स्नैपचैट से फोटो को गैलरी में सेव करना सीख गए होंगे। सो दोस्तों, आपको वीडियो थोड़ा सा यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।